अडानी ग्रुप के हाथों में होगा अमौसी एयरपोर्ट की कमान। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम और अधिकार। विकास और प्रबंधन का जिम्मा अब अडानी ग्रुप संभालेगा। एएआई के पास ही रहेगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एटीसी की जिम्मेदारी। एएआई ने 50 साल के लिए किया करार। आपको बता दें अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। एएआई ने भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि कर दी है। तो आपको बता दें लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अमौसी एयरपोर्ट की जो कमान है वो अब अडानी ग्रुप के हाथ में होगी। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे कई नियम और अधिकार। 1 अप्रैल से कई नियम और अधिकार बदलने की बात भी आ रही है, एआई ने भी। तो हमारे सहयोगी अरुण चतुर्वेदी जुड़े हैं हमारे साथ इस खबर में विस्तृत जानकारी के साथ। तो अरुण, जिस तरीके से अडानी ग्रुप के हाथों में कमान जाएगी, तो अडानी ग्रुप के हाथों में कमान जाने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमौसी एयरपोर्ट जो है अडानी कंपनी को दिया गया है, अडानी कंपनी के साथ 50 साल का एआई ने करार किया है, और करार में अगर बात की जाए एयरपोर्ट में, तो अगर विकास की बात की जाए तो रनवे की चौड़ाई बढ़ाने की बात की जा रही है, और अंदर जो टर्मिनल जो वो है उसको विस्तार बढ़ाने की बात की जा रही है, कि एयरपोर्ट में जो और अंदर सुविधाएं देने की है पैसेंजर को, और सुविधा जो यात्रियों को देने की बात की जा रही है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी से कल शुक्रवार को जो करार हुआ था उसको ट्वीट करके जानकारी जो है अडानी कंपनी ने भी दिया है, और एआई की भी कंपनी ने दिया है, लेकिन एआई ने ही अपने जो एयर है कि जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी है, लेकिन जिस हिसाब से बात की जाए अडानी कंपनी ने भरोसा जताया है एआई ने अडानी कंपनी के ऊपर, और अडानी कंपनी ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी, और अगर बात की जाए इनकी तो सबसे ज्यादा ध्यान अगर देखा जाए अडानी कंपनी का तो अमौसी एयरपोर्ट की तरफ देखने को मिल रहा है। जी अरुण, वही जो एआई ने 50 साल का करार किया है, उस 50 साल के करार को किसके मद्देनजर किया गया है? जी देखिए, जिस हिसाब से विगत छह एयरपोर्टों को निजी हाथों में सौंपने की बात की गई थी, इसमें से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो अमौसी एयरपोर्ट की बात की जा रही थी, कि जो कि यहाँ पर रिंग रोड के सीधे बात की जा रही थी एयरपोर्ट लगाने के लिए, ट्रैफिक से कई लोग परेशान होते थे, उसको देखते हुए अडानी कंपनी ने ही इस पर बोली लगाई। अडानी कंपनी की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो पैसेंजर और एयरपोर्ट की जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की जा रही है, और जो रनवे की चौड़ाई की बात की जा रही है, जो उड़ानों की बात की जा रही है, कि जो और जगह राज्यों में जो यहाँ पे उड़ान भरे जाए 5-6 राज्यों के लिए, वहां पर जल्द आने की तो तेजी से बात चल रही है, सबको आगे बढ़ाने के लिए अडानी कंपनी काम करेगी, और इसके लिए 50 सालों का इनसे करार किया गया कि जो कमियां हैं वो अडानी कंपनी देखेगी और उसे सुधार कराएगी। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।